सोचो कि आप एक छोटे से बेबी मशरूम हो और एकदम से आप बन जाते हो मशरूम बीस्ट में। तो मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज एज अ मशरूम, और आज का लाइक है मैं ओनली वन, मुझे सिर्फ आपका लाइक चाहिए। तो मैं स्पॉन होता हूँ एज अ बेबी मशरूम एक मशरूम आइलैंड में। मेरे आसपास बहुत बड़ा आइलैंड था और एक बहुत बड़ा मशरूम विलेज था जिसमें मशरूम विलेजर रहते हैं और मशरूम काउ रहते हैं अलग अलग टाइप के। आसपास मेरे कोई भी लैंड नहीं था, सिर्फ पानी था, क्योंकि मैं एक आइलैंड में हूँ तो मेरे आसपास कोई भी जगह नहीं है, मतलब कोई भी बायोम नहीं है, बस पानी ही पानी है। आसपास मेरे इतनी बढ़िया सी जगह थी तो मैं आसपास घूमने का ट्राई करता हूँ और मिलता हूँ एक मशरूम काऊ से। ये फर्स्ट मशरूम काऊ है मतलब मेरे अलावा, मतलब बेबी मशरूम काऊ, तो इससे बात बात करता हूँ। अब ये लोग बेचारे बहुत मासूम से है तो नॉर्मली बात बात भी नहीं करते हैं। मशरूम काऊ से बात करने के बाद में मुझे एक सोल्जर दिखता है जो मशरूम आइलैंड और मशरूम विलेज को प्रोटेक्ट करता है। मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ, मुझे दिखता है एक फार्मर जो आलू उगा रहा था, तो उसका आलू लेने की ट्राई करता हूँ। मैं फिर सोचता हूँ यार अपना ही फार्म है तो क्या ही करना, तो फार्मर से थोड़ा बहुत बात करता हूँ। और फार्मर ट्रेड भी कर रहा था, पर मेरे पास में कोई एमराल्ड नहीं है और ट्रेड करके मतलब नहीं है, अपने विलेजर को लूट के कोई मतलब नहीं है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पे बहुत सारे घर थे। मैं जैसे ही घर के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे एक बेड और एक चेस्ट था और ये घर बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे। यहाँ पे एमराल्ड थे और सामान था, तो मैं कुछ भी लेता नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे खाने की कमी नहीं होने वाली मुझे, क्योंकि मशरूम स्ट्यू तो आसपास बहुत मिल जाएगा, बस कमी है तो रिसोर्सेज की। मैं बहुत सारे विलेजर से मिलता हूँ जो पता नहीं स्वाम्प और मशरूम के मिक्स दिख रहे थे, हो सकता पहले आए हो भाग कर यहाँ पर। मुझे दिखता है विलेज का सेंटर जहाँ पे बेल लगा हुआ था, और ये वाले फाउंटेन को देखो यार मशरूम से बना हुआ कितना बढ़िया दिख रहा है। फिर मैं देखता हूँ विलेज हमारा एंड हो रहा है, एक कैट भी दिखती है मुझे, पर कैट को मैं छोड़ देता हूँ, बेचारे डर के भाग रही थी मुझसे। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे और भी खाऊ है सिंपल वाले, तो इनसे मैं बात करता हूँ, पर ये लोग तो कुछ बात बात करते नहीं है, शायद हमारे मशरूम विलेजर के एनिमल होंगे ये लोग पाले हुए खुद के। मैं आगे देखता हूँ अपना विलेज बहुत बड़ा दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे विलेज हमारा खत्म हो रहा था। मैं देखना चाहता था क्या मिलेगा यहाँ पर, मुझे मिलता है एक रूइन पोर्टल। अब बहुत खतरनाक दिख रहा था मुझे, मैं जाता हूँ उसके पास, पर मुझे मैग्मा से डैमेज पहुंच रहा था और हार्ट मेरे पास 4-5 ही है क्योंकि अभी तो बेबी मशरूम होना मैं, इसलिए तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ से लूट कर लेता हूँ और यहाँ से निकल लेता हूँ। मुझे बहुत सारे सामान मिल चुके थे, बस खाने की मेरे पास में कमी थी, वो भी मैं ढूंढ लूँगा अपने विलेजर के पास से, नहीं लेके भागूंगा। घूमते घूमते मैं कोने में पहुंच गया था, मैं देखता हूँ आसपास मेरा आइलैंड खत्म होने वाला था और साथ ही साथ रात भी हो जाती है। तो अब मैं आसपास तो कहीं जा नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं पूरा आइलैंड घूम लिया, तो मैं आके बेड में सो जाता हूँ, पता नहीं किसका घर था। सुबह उठते ही मुझे एक मशरूम का मिलता है, वो भी ब्राउन कलर का, जो बहुत ज़्यादा रेयर है और यूनिक बात है। मैं थोड़ी देर ब्राउन मशरूम से बात करता हूँ और ये मुझे बताता है कि ये विलेज का लीडर तो नहीं है, पर ये मुझे खाने की चीज़ें देता है, मतलब ये ब्राउन मशरूम है ना, इनके पास दिमाग थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब इतने ये लोग भोले नहीं होते हैं। ब्राउन मशरूम ने इतनी ज़रूरी सामान दिया है मुझे, तो मैं इसको अपने ज़रूरी सामान देता हूँ, जैसे कि वो बुक था मेरे पास में, पता नहीं क्या काम करता, और भी सामान देता हूँ, बस थोड़ी बहुत चीज़ें रहने देता हूँ। मुझे मिलता है यहाँ पे बहुत सारे आयरन, और मैं क्या करूँगा इसका जब मेरे पास में वुडन पिकैक्स भी नहीं है, तो आयरन तो मैं माइन नहीं कर सकता हूँ। मुझे केव भी दिखता है, पर मैं वहाँ से निकल लेता हूँ, केव में जाके कोई मतलब नहीं, मर जाऊँगा मैं। मैं थोड़ा बहुत ब्राउन मशरूम और रेड मशरूम जमा करता हूँ जिससे मैं बना सकता हूँ अपना मशरूम स्ट्यू। लेकिन मैं दूर से देखता हूँ कुछ दिनों बाद, तो यहाँ पे मुझे आते हुए दिखता है एक मशरूम, और मैं पास जाके देखता हूँ तो वो था हमारा ब्राउन मशरूम, पता नहीं वो कहाँ से आ रहा था। तो मुझे दिखती है एक बोट जो वहीं पे छोड़ देता है वो, और वो कहाँ जाता है मुझे पता नहीं। तो मैं सोचता हूँ यार दूर जाने की, क्योंकि आइलैंड में रहते रहते तो सड़ जाऊँगा मैं, बाकी रेड मशरूम जैसा नहीं हूँ मैं, मतलब मशरूम काऊ जैसा नहीं हूँ, बाकी तो ब्राउन कलर के होते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आइलैंड को छोड़ देता हूँ, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाने वाला था, बस मुझे लैंड ढूंढना था। और लैंड के नाम पर मुझे ये मिलता है, वैसे एक शिप मिलती है बहुत खतरनाक वाली और एक व्हेल दिखती है। अब व्हेल और शिप से पंगा नहीं लेने वाला हूँ मैं, मुझे लैंड के नाम पे वो ग्रास ब्लॉक दिखाता तो मेरा दिमाग खराब हो गया था, तो मैं शिप की तरफ जाना चालू कर देता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ एक रेड कलर का मशरूम है और जिसके हाथ में गन है और वो दो पैरों में खड़ा है, तो मुझे लगता है वो अपना ही बंदा होगा, तो मैं उसके पास जाना चालू करता हूँ। लेकिन यार एकदम से मुझे वो देखता है और पता नहीं खोल जाता है मेरे ऊपर और पानी में कूद जाता है। मुझे लगा यार मुझे हेलो बोलने आया है, लेकिन मैं समझ चुका था भाई बंदूक लेके कोई हेलो बोलने नहीं आता है। अब वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मैं पानी में देखता हूँ तो यार वो अंडर वाटर स्विमिंग करके आ रहा था भाई, वो खतरनाक इंसान है, तो मुझे भागना पड़ा। मुझे लगता है मुझे मारने आ रहा था या तो मुझे पकड़ के ले जाएगा, तो उससे अच्छा मैं पहुंच जाता हूँ एक लैंड में। मैं देखता हूँ आगे मेरा क्रोकोडाइल था भाई, इससे तो पंगा नहीं लेने वाला हूँ, वो रेड मशरूम से ज़्यादा खतरनाक तो ये लोग होते हैं। एक पता नहीं पानी का ज़ॉम्बी आता है मेरे पास, ड्राउन नाम है इसका, निकल लेता हूँ मैं यहाँ से, इससे पंगा नहीं लेने वाला हूँ। मैं लैंड में पहुँचता हूँ जैसे ही, तो मुझे दिखता है फर्स्ट टाइम क्रास और दो ज़ॉम्बी एक भिखारी को मार रहे थे। उससे पहले मैं निकल लेता हूँ क्योंकि अगला शिकार इनका मैं होने वाला हूँ, और ज़ॉम्बी खुद ही मर जाते हैं, वैसे वो बच जाता है लेकिन मेरे ऊपर तीर आता है, तो मुझे भागना पड़ा यहाँ से क्योंकि मेरे पीछे स्केलेटन पड़ गया, तो मेरे पास 5 ही हार्ट है, 5 हार्ट तो इजीली मर जाऊंगा मैं यहाँ से। मैं पेड़ वेड़ तोड़ता हूँ, फर्स्ट टाइम मुझे रिसोर्सेज मिले, सैपलिंग और पूरे के पूरे प्लैंक और जितने वुड हो सकते हैं, स्टिक हो सकते हैं, सब लेके मैं निकल लेता हूँ। सामने एक बलून था जहाँ तक मैं नहीं पहुँच सकता हूँ क्योंकि इतना ऊपर मैं कैसे जाऊँगा, ब्लॉक ही नहीं है मेरे पास में उतने, तो मैं नीचे जाता हूँ, थोड़े बहुत माइनिंग वाइनिंग करता हूँ, और मुझे पता है बलून में कुछ नहीं मिलेगा, इतना ऊपर जाके मतलब नहीं है। तो मैं अपने लिए टूल्स बना लेता हूँ, फर्स्ट टाइम मैं स्टोन का टूल्स बना रहा था। तो इसी के साथ रात हो जाती है और मैं अपना बोट लेके निकल लेता हूँ, और पता नहीं गायब क्यों गया था मैं, लेकिन मुझे बाद में मालूम चलता है मैं तो इसके नीचे चले गया हूँ बोट के, इतना छोटा हूँ कि बोट के नीचे आ गया हूँ मैं, तो ये आइलैंड मुझे छोड़ना पड़ा। और भाई यहाँ पे वापस आऊँगा मैं, मतलब यहाँ पे नहीं पर लैंड में ज़रूर वापस आऊँगा, क्योंकि मशरूम आइलैंड को मुझे प्रोग्रेस भी तो करना है, यहीं पर रह के कोई मतलब नहीं है, तो मुझे लैंड में आना ही पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ अपने केव में
वापस और सबसे पहले आयरन तोड़ता हूँ क्योंकि मुझे तोड़ना था आयरन और मुझे बनाने थे अपने लिए टूल्स। बहुत कम हार्ट है मेरे पास में, कोई मुझे इजीली मार देगा। यहाँ पे तो विलेजर भी है, गार्ड भी है, गोलम भी है, सब रक्षा कर सकते हैं, पर भाई बाहर तो कोई नहीं होगा ना। मैं जैसे केव में अंदर जाता हूँ क्योंकि अब मेरे पास में थोड़े बहुत टूल्स आ चुके हैं, तो मुझे दिखता है माइन। अब माइन के साथ यहाँ पे एक स्पॉनर था, तो स्पॉनर को तोड़ता हूँ मैं, बैट का स्पॉनर था, कोई काम भी नहीं आने वाला है। जैसे मैं इस चेस्ट को खोलता हूँ मुझे दिखता है एक एंचेंटेड गोल्डन एप्पल। भाई मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है शायद। उसी के साथ में कुछ अलग अलग चीज़ें मिलती है, उसमें से एक टॉर्च था, तो टॉर्च मैं अपने हाथ में पकड़ लेता हूँ ताकि मुझे इतना अंधेरे में नहीं जीना पड़ेगा। यहाँ पे और भी सामान थे तो ले लेता हूँ मैं और चलता हूँ ऊपर वापस। ऊपर जाते जाते मुझे और आयरन मिलते हैं और कोल मिलते हैं। आयरन का क्या काम बिना कोल के, तो कोल भी ले लेता हूँ बहुत सारे। साथ ही साथ मेरे एक्सपी भी बढ़ने वाली थी, लगता है मेरे हार्ट भी बढ़ने वाले हैं, उससे पहले बड़ा होना है मुझे। कुछ देर बाद मैं देखता हूँ एक येलो मशरूम, पता नहीं मेरी आंखों को भरोसा नहीं हो रहा था। पास जाके देखता हूँ मैं तो यहाँ पे ब्राउन रेड एंड येलो मशरूम थे और येलो मशरूम टॉप पे खड़ा था, तो मैं समझ चुका हूँ कि ये हमारा लीडर है। और इस येलो गाय का नाम है मूवब्लूम, तो मूवब्लूम को मैं देता हूँ एंचेंटेड गोल्डन एप्पल क्योंकि ये हमारा लीडर था। और एंचेंटेड गोल्डन एप्पल देखे ये भाई बहुत खुश हो जाता है और ये मुझे बड़ा कर देता है क्योंकि इसके पास बड़ा करने की शक्ति है कोई भी मशरूम काओ को। तो मुझे एक स्ट्यू देता है ये, जैसे मैं स्ट्यू को खाता हूँ मैं एकदम से बड़ा हो जाता हूँ। मेरे हार्ट नहीं बढ़ते अभी क्योंकि अभी हार्ट बढ़ने का समय नहीं आया है, लेकिन कुछ देर बाद मैं बड़ा हो जाता हूँ और मैं इन्हीं के जैसा बन चुका हूँ। मतलब मैं ब्राउन कलर का तो नहीं हूँ, ब्राउन तो बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। और बाद में सब लोग अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। मैं बना देता हूँ अपने लिए फर्नेस और एक क्राफ्टिंग टेबल, उसमें मैं स्मेल कर देता हूँ पूरे के पूरे आयरन। और अब मेरे पास में बहुत सारे आयरन के पीसेस हो चुके हैं। कुछ दिन तक मैं माइनिंग करता हूँ तो मेरे पास में बहुत सारे आयरन हो चुके हैं। मैं बना लेता हूँ अपने लिए एक पिकैक्स और एक एक्स और एक चेस्ट प्लेट बनाता हूँ और पूरा का पूरा बॉडी आर्मर सेट बनाता हूँ। मेरे पास एक चेस्ट प्लेट था पहले से, तो वैसे आयरन वेस्ट हो गया, पर कोई बात नहीं, किसी और को दे दूंगा मैं। तो पूरा सेट पहनने के बाद में अब मैं प्रोटेक्टेड हूँ, बड़ा भी हो चुका हूँ और हार्ट भी मेरे बढ़ने वाले कुछ समय बाद, तो अब अच्छी बात है। तो जितना भी मेरे पास में सामान है उसको ये वाले चेस्ट में रख देता हूँ मैं, क्योंकि विलेजर का चेस्ट है, विलेजर का भी धोखा तो नहीं करेंगे मुझे पता है। और ये मशरूम विलेजर तो अच्छे भी होंगे। और कुछ दिनों के बाद मैं देखता हूँ कि एक और मशरूम का आ रहा था, लेकिन इसके बाद में गन थी। अभी वही वाला मशरूम का मैं समझ चुका था और ये भाई मुझे खतरनाक ही दिख रहा है। ये आता हमारे आइसलैंड में, मुझे लगा वो अच्छा बन चुका होगा, लेकिन ये एक मशरूम का के पास जाता है और उसके गले में लीड बांधता है, उसको लेके चल जाता है। अब पता नहीं कहाँ लेके गया, अब वो उस पर एक्सपेरिमेंट करने गया या उसको मारने गया मुझे पता नहीं, लेकिन वो लेके भाग जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे मशरूम काओ गायब हो रहे थे, तो मुझे बताना पड़ेगा लीडर को, मतलब येलो वाले मूवब्लूम को, मतलब मशरूम काओ को, क्योंकि ऐसे करते करते तो सबको गायब कर देगा ये। तो जल्दी से भाग के जाता हूँ मैं लीडर के पास, लीडर को बताता हूँ कि एक और मशरूम काओ गायब हो गया। वैसे बहुत सारे गायब हो रहे थे, तो इस बार मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया था वो वाले बंदे को जो मशरूम काओ लेके भाग रहा था। तो मैं लीडर को बताता हूँ और लीडर चल जाता है उसको पकड़ने के लिए। और लीडर इस डायरेक्शन में जाता है, मुझे नहीं पता कौन से डायरेक्शन में गया है वो, तो मैं अपोजिट वाले डायरेक्शन में जाता हूँ, मतलब वो नॉर्थ गया तो मैं वेस्ट जाता हूँ। तो मैं अपने बोट में बैठता हूँ और निकल लेता हूँ यहाँ से। मुझे वो शिप ढूंढनी थी, लेकिन मुझे ये वाली शिप मिलती है जो अलग शिप है। ये पायरेट शिप टाइप है कुछ, मतलब पता नहीं किसकी शिप है ये। तो ये वाली शिप में जाता नहीं हूँ मैं, अलग जगह में जाता हूँ। मुझे दिखता है बहुत बड़ा एक मशरूम, मतलब वो क्या था, मशरूम हाउस था क्या था, लेकिन मुझे आगे एक पिकॉक भी दिखता है। तो पिकॉक को देख के लगता है मुझे ये अच्छी जगह होगी, तो मैं उससे बात करने जाता हूँ, तो उसे एक सीड खिला देता हूँ मैं। और भाई सीट खिलाने के बाद में इसके पंख ऐसे बड़े से हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहे थे। तो मैं जाता हूँ अंदर की तरफ, अंदर देखता हूँ मैं यहाँ पे एक स्पॉनर लगा हुआ है और बाहर से निकलते हैं दो बहुत खतरनाक से पिगलिंग टाइप मशरूम, जो है तो मशरूम पर दो पैरों में चल रहे थे। और भाई ये अलग थे, मतलब वो पूरे मशरूम टाइप नहीं थे, इनकी मुंडी मशरूम की थी और इनका शरीर एक इंसान जैसा था, मतलब पिगलिंग जैसा था। तो मैं समझ चुका था भाई ये बहुत खतरनाक होने वाले, पिगलिंग ब्रूट जैसे ही। तो मैं इनको मारता हूँ, मेरे पास में एक शॉट थी जिससे मुझे एक रीजनरेशन मिल रहा था, तो मैं इनको और मारता और ख़त्म कर देता हूँ। इनके हाथ में एक पोशन था जो फेंक रहे थे वो लोग मरने के बाद में, भाई वो पोशन से मुझे बच के रहना पड़ेगा क्योंकि उससे नशे हो जाते हैं। तो ये वाले स्पॉनर को तोड़ता हूँ मैं और यहाँ पे लाइट अप करता हूँ। और मुझे लगता है यहाँ पे कोई ना कोई मशरूम का घर ही होगा, क्योंकि यार ये मशरूम जैसा ही है और ये गरीब मेरे ऊपर हमला कर देता है। मुझे पता है एक दो और होंगे, और देखो ये लोग मेरे ऊपर पोशन फेंक रहे थे मरने के बाद में। मैं ऊपर जाने का ट्राई करता हूँ, लेकिन एक और मशरूम पिकलिंग मेरे ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इसको मार देता हूँ और पोशन से बच जाता हूँ। और भाई यहाँ पे पिकॉक भी खुश हो गया था। मैं देखता हूँ आसपास बहुत अंधेरा था, जैसे मैं राइट देखता हूँ तो मेरे सामने था हमारा लीडर मूवब्लूम। तो मैं यहाँ पे लाइट अप कर देता हूँ और जल्दी से केस तोड़ देता हूँ। और भाई मैं अब इससे बात बात करता हूँ तो ये बताता मुझे कि बंदूक वाले मशरूम का और विच पागल हो चुके हैं, मतलब सारे विच नहीं, कुछ कुछ विच और बहुत सारे मशरूम का पागल हो चुके हैं जो म्यूटेट होना चाहते हैं और अलग अलग टाइप से म्यूटेट हो रहे हैं, जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही है विच, तो उसको मारना जरूरी है। और उससे पहले मुझे मारना पड़ेगा सारे के सारे मशरूम काओ को भी जो म्यूटेट हो चुके हैं। तो मैं चेस्ट में थोड़ा बहुत लूट लेता हूँ, क्योंकि जिसका भी घर होगा मशरूम का ही होगा, तो अपने लोगों का घर है। मैं ऊपर जाता हूँ और मूवब्लूम भी ऊपर आता है, तो अभी हम दोनों जेल के अंदर तो नहीं है, वैसे मूवब्लूम जेल के अंदर था पर मैंने बचा लिया उसको। तो मुझे बहुत सारे एप्पल देता है वो और बहुत सारे सामान देता है खाने की, खास करके क्योंकि खाने की कमी होने वाली थी मुझे। मैं देखता हूँ ऊपर बहुत बड़ा कैसल है, तो वहाँ जाने की बारी है क्योंकि वहीं पर कोई ना कोई गया होगा।
तो हमारा लीडर अलग ही फॉर्म में था, यहाँ से सीधा खुद जाता और एमएलजी करता, तो मुझे भी खुदना पड़ा। हार्ड काम थे पर रिस्क लेना पड़ता है मुझे। यहाँ पे जाता ये दो दिन भिखारी दिखते मुझे जो ज़ॉम्बी से मार खा रहे थे, तो ये लोग कुछ बोलने की तैयारी में नहीं थे, लगता है इनको हिंदी नहीं आती है। खैर कोई बात नहीं, मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, यहाँ पे पानी का एक वाटरफॉल टाइप था, तो मैं ऊपर पहुंच जाता हूँ। मुबलूम भी ऊपर रहता तो हम इजीली इसको मार देते हैं। एक स्केलेटन था यहाँ पे, और भी स्केलेटन थे, उनको मार दिया हमने, और पता नहीं कौन सा गरीब आ रहा था। मैं नीचे देखता हूँ, यहाँ पे भाई इन ज़ॉम्बीफाइड विलेजर की खेती है शायद। तो भाई पता नहीं आसमान में घर क्यों है इतना खतरनाक सा, मतलब छोटा सा कैसल है। अब मुझे समझा क्यों है, यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज है लेकिन उतने काम के नहीं है, बस गोल्ड और आयरन ही तो है। तो पूरा माइन करके हम लोग निकल लेते नीचे की तरफ, जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीफाइड विलेजर्स हैं। कुछ तो मिलेगा मुझे, ये पूरे के पूरे ब्लॉक को मैं माइन करता हूँ, कुछ नहीं मिलता है तो यहाँ पे मैं लावा डाल देता हूँ। मतलब मेरे पास लावा नहीं था पर मेरे लीडर के पास तो लावा था बहुत सारा, तो लावा डाल देता है वो और पूरे के पूरे आज़ाद हो जाते हैं और मुक्ति मिल जाती है उन्हें। मतलब जितने विलेजर थे जिनको ज़ॉम्बी ने काट लिए थे वो लोगों को मुक्ति मिल जाती है, और थोड़े बहुत जो बचे हुए थे नीचे जाके हम उनको मार देते हैं। जैसे हम नीचे जाते हैं हमें दिखते बहुत सारे डायमंड, और मैं समझ चुका था ये लोग क्यों थे यहाँ पर। किसी ने इनको कैद करके यहाँ पे रख दिया था ताकि जो भी आएगा डायमंड की रखवाली हो सके। तो यहाँ पे डायमंड को माइन कर लेता हूँ मैं, जो मुझे बाद में काम आएंगे। और साथ ही साथ पूरे के पूरे डायमंड के बाद में मुझे चेस्ट में दिखते बहुत सारे और डायमंड, जो बहुत अच्छी बात है। और मुझे दिखते कुछ एरो जो एक्सप्लोसिव एरो थे, शायद फूटते हैं, और मेन बात टोटम मिल जाती है मुझे। भाई मैं मतलब अब जिंदा तो रह पाऊंगा कम से कम इतने कम हार्ट के बाद भी। तो हम डिसाइड करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में जाने की। इस बार भाई कोई भी जेल में कैद नहीं होने वाला क्योंकि मरी जाएगा सीधा। तो मुझे यहाँ पे दिखता है वो वाला शिप जो अलग वाला शिप है, तो ये शिप में जाता है हमारा लीडर और मैं नहीं जाने वाला हूँ। मुझे नहीं लगता है कुछ मिलेगा वहाँ पे, तो मैं अपोजिट डायरेक्शन में जाता हूँ। मुझे ढूंढना है विच को और हमारे लीडर को भी विच को ढूंढना है। विच के साथ में हमें ढूंढना है जितने म्यूटेटेड मशरूम है जो भाई मशरूम को मारना चाहते हैं, मतलब मशरूम का उनको मारना चाहते हैं और बर्बाद करना चाहते हैं। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे बहुत बड़ी एक फैक्ट्री टाइप थी, क्या था पता नहीं, माइन था, जो मेरे कोई काम नहीं आने वाला है क्योंकि यहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बी है और जितने भी स्केलेटन है उन्होंने कब्जा कर लिया है। जैसे मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ कुछ ज़ॉम्बी मेरे ऊपर अटैक कर देते हैं, तो ये टाइम था हमारा एक्सप्लोसिव एरो ट्राई करने का। तो जैसे मैं इनको मारता हूँ भाई फूटना चालू हो जाता है, ज़मीन भी फूटते हैं और ये लोग भी। तो आखिरी वाले ज़ॉम्बी को मारने के बाद में मैं देखता हूँ जगह कितनी ज़्यादा बड़ी है, मतलब मैं इसके सामने पूरा बर्बाद और बारीक सा हूँ। मैं एक एरो फेंक के मारता हूँ यहाँ पे जो ब्लास्ट होता है, ऐसे तो मैं पूरे जगह को फोड़ सकता हूँ लेकिन यार किसी मशरूम का होकर बनाया हुआ ये जगह है। और ये रेवन को देखो, मतलब जो क्रो है वो पता नहीं ज़ॉम्बी के अवशेष लेके भाग रहे थे, जो अच्छी बात है यार ज़ॉम्बी के साथ यही होना चाहिए, वैसे बर्बाद है ये लोग। मुझे कुछ रकून दिखते हैं इनको मैं थोड़े बहुत सामान देता हूँ। आगे मुझे घर दिखता है, तो ये वाला बेचारा बहुत देर से मांग रहा था, इसको दे देता हूँ। बाकी तो भी मांग रहे थे पर उनको देने के लिए मेरे पास उतना खाना है नहीं, उनको बाय बोल देता हूँ मैं, और इस बड़े से जगह को भी बाय बोल देता हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे नहीं आने वाला हूँ मैं, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर कोई भाग के यहाँ पे मशरूम आया मॉडिफाइड वाला, मतलब जो म्यूटेट हो चुका है, तो जरूर आऊँगा मैं। मुझे घर दिखता है, घर के अंदर जैसे मैं जाता हूँ पता नहीं यहाँ पे कोई था नहीं, और थोड़े बहुत जाले वाले पड़े हुए थे जिसका भी घरों को छोड़ दिया होगा इसने यहाँ पर, क्योंकि इतनी खतरनाक जगह है, घर के आसपास कभी भी हमला हो सकता है। मैं चेस्ट चेक करता हूँ, खाने का सामान मिलता है मुझे, वो लेके मैं ऊपर आ जाता हूँ। ऊपर मुझे कुछ हेबेल मिलते हैं, हेबेल लेके भी निकल लेता हूँ, ज़्यादा नहीं थे दो तीन थे। और यहाँ पे कोई चेस्ट नहीं था, एक चेस्ट था बस, उसमें आयरन मिलता है मुझे, ज़्यादा कोई चेस्ट नहीं था। तो पूरे घर को रिपेयर कर देता हूँ, जिसका भी होगा वापस आ सकता है वो। तो एक मार्क छोड़ देता हूँ मैं आया हुआ था, और पूरा सामान लेके चले गया। यहाँ से निकलता हूँ, यहाँ से निकलने के बाद मैं पहुँचता हूँ मशरूम हाउस में, मतलब एक बड़ा सा मशरूम मैंशन या हाउस क्या बोलो आप, बहुत बढ़िया दिख रहा था। तो मैं आसपास जाता हूँ उसके, मुझे लगा यार एकदम सही होगा सब कुछ। जैसे मैं पास जाता हूँ और अंदर जाता हूँ, मैं देखता हूँ ऊपर कोई तो है, मुझे लगा सब कुछ सही होगा, लेकिन ऊपर था वही गन वाला मशरूम का हो जो बहुत खतरनाक है। मैं भागने का ट्राई करता हूँ लेकिन वो मुझे पकड़ लेता है, और भाई मैं उसके जाल में खुद ही फंस गया। इसके हाथ में गन थी तो मैं इससे पंगा नहीं ले सकता हूँ, तो मुझे इसकी बात सुननी पड़ी। मैं इसको थोड़ा बहुत डायमंड देता हूँ, मुझे लगा यार भाई ये रिश्वत ले लेगा, पर भाई ये मुझे और डायमंड फेंक के मारता है और मेरे पूरा डायमंड वापस दे देता है। मतलब इसको डायमंड नहीं चाहिए, इसको सिर्फ चाहिए सारे मशरूम काओ की मौत। वैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे एक छोटा सा जेल था जहाँ पे ये बहुत सारे मशरूम थे, और मुझे भी ये यही जेल में डाल देता है। अब मैं समझ गया था कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होता है छोटे मोटे, मतलब बहुत सारे विचेस मैंने आपको बताया था ना, तो यहाँ पे एक विच है जो एक्सपेरिमेंट करती है, यहाँ पे विच भी आ जाती है। अब ये दो तीन मशरूम काओ को लेके जाने वाले थे, मैं समझ चुका था ये लोग बेचारे बहुत भोले होते हैं, लेकिन मैं चुपचाप पीछे खड़ा हो जाता हूँ और मैं बच जाता हूँ। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे ये लोग लेके चले गए पूरे के पूरे मशरूम काओ को, और जैसे मैं नीचे जाके देखता हूँ, पहले मुझे जेल से बाहर भागना था तभी तो मैं नीचे देख पाऊंगा क्या हो रहा है। तो मैं जेल को तोड़ देता हूँ क्योंकि इनको लगा मैं ऐसे ही नॉर्मल सा मशरूम काओ जिसकी कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन इनको क्या पता मेरे पास में सारा का सारा सामान है। मैं देखता हूँ विच एक मशरूम काओ पे एक्सपेरिमेंट करती है, और गन वाला मशरूम यहाँ पे था नहीं, तो मैं समझ चुका था अब ये चांस है विच को मारने का, लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहता था होता क्या मशरूम के साथ में। मैं देखता हूँ मॉडिफाइड हो रहा था वो, और एकदम से बन जाता है खुखार सा मशरूम बीस्ट जो सिर्फ विच की बात सुनता है और किसी की नहीं, और विच की बात में आके वो सारे के सारे मशरूम को मारना चालू करता है। वो इतना खतरनाक होता है, विच को भी एक फाइट मार के भागता है वो, वैसे वो विच की बात सुनने वाला है तो विच उसको छोड़ देती है। और यहाँ पे विच अकेली थी, तो मैं मौके का सही फायदा उठाता हूँ, यहाँ पे TNT रखा हुआ था चेस्ट के अंदर, और मैं यहाँ पे प्रेशर प्लेट में क्लिक कर देता हूँ और विच मर जाती है इसके साथ ही साथ। तो विच का तो यहाँ पे एंड हो गया, लेकिन मुझे भी थोड़ा बहुत डैमेज पहुँचता है, लेकिन मुझे कुछ होता नहीं है, वैसे बस मेरे एक दो हार्ट जाते हैं, लेकिन मैं
समझ चुका था यहाँ पे बहुत सारी विचेस है जो ऐसे एक्सपेरिमेंट करती है, लेकिन उससे भी खतरनाक जितने मशरूम बीस्ट है जैसे गन वाले, और इससे भी खतरनाक हो सकती है, तो कुछ भी नहीं है, इससे भी खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। तो मैं मशरूम को आज़ाद कर देता हूँ जो बचा हुआ था, और निकल लेता हूँ ये जगह से, क्योंकि ये जगह भी आज़ाद हो चुकी है और यहाँ पे अच्छे से रह सकते हैं मशरूम। मैं अपने आइलैंड में वापस पहुँचता हूँ और देखता हूँ रेड चालू है। जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ मैं देखता हूँ यहाँ पे बहुत सारे पिलेजर आ चुके हैं, लेकिन उन पिलेजर को लेके आया है ये वाला बीस्ट मशरूम काऊ। खैर अभी मशरूम काऊ तो नहीं रहा, मतलब ये कौन से एंगल से गाय दिख रहा है, खैर कोई बात नहीं, पर वो जो भी एक बीस्ट बन चुका है और भाई खूखार बन चुका है, पूरे मशरूम को मारे जा रहा है वो, उसकी तो अलग खुन्नस चढ़ी हुई है मशरूम से, और पिलेजर का गुस्सा था पूरे विलेजर के ऊपर, तो मुझे बचाना था दोनों को। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे गोलम थे हमारे पास में, और हमारा लीडर आ जाता है, लीडर मुझे काव पंपकिन देता है और बहुत सारे आयरन ब्लॉक देता है जिससे मैं बहुत सारे गोलम को स्पॉन कर सकता हूँ, और हम लोग स्पॉन करना चाहते हैं बहुत सारे गोलम, क्योंकि यार देखो गोलम ही मार सकते हैं इन सारे पिलेजर को, और हम है जो बीस्ट को मार सकते हैं, क्योंकि यार वो मशरूम काव का दुश्मन है। तो बहुत सारे एक्सप्लोसिव एरो यूज़ करता हूँ पिलेजर के ऊपर, और वो लोग भी घबरा जाते हैं, यार ये कौन आ गया, बॉम ही फोड़ रहा है सीधा बिना टीएनटी के, और ये टीएनटी जितना डैमेज देते हैं जो बहुत अच्छी बात है। रेवेंजर वगैरह को पूरे पूरे गोलम खत्म कर देते हैं, और एक दो रेवेंजर पागल भी हो जाते हैं, और मैं इस वाले को मारता हूँ जिससे मुझे मिल जाता है एक टोटम, और मेरा टोटम भी वेस्ट हो जाता है, मतलब अभी एक टोटम मेरे पास में रखा ही हुआ था। हम लोग मिलकर रेवेंजर पर अटैक करते हैं और रेवेंजर मुझे एक फाइट मारता है, मेरा टोटम तो यूज हो जाता है पर रेवेंजर भी मर जाता है। उसी के साथ साथ मैं देखता हूँ बहुत सारे पिलेजर मर चुके हैं, अभी ज़्यादा नहीं बचे, लेकिन एकदम से एक इल्यूजनर आ जाता है जो मेरे ऊपर अटैक करता है, लेकिन कोई बात नहीं यार मैं ऊपर था, हाइट मेरे पास में था, तो बच जाता हूँ मैं, और उसी के साथ हमारे रेड की विक्ट्री हो जाती है। और गोलम तो वैक्स को इतनी बुरी मौत मारता है, उड़ते उड़ते मार दिया, लेकिन एक बंदा बचा हुआ था अभी जो है मशरूम बीस्ट, जिसको मारना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो फिर से रेडर को ला सकता है और हमारे ऊपर रेड हो सकता है। तो मैं और रेडर मिलकर प्लान बनाते हैं कि उसको फिर से मारना है, क्योंकि विलेज तो पूरा तबाह हो गया, वैसे मेरी भी गलती है पर मारना ज़रूरी था एक्सप्लोसिव एरो। मैं देखता हूँ वहाँ पे है बीस्ट जो हमारे तरफ ही आ रहा था, मुझे पहले इससे बात करना था, तो पहले मैं इसको आने देता हूँ अपने पास में, और मैं और लीडर मिलकर इससे बात करते हैं। तो ये बोलता है कि इसका सबसे बड़ा दुश्मन है मशरूम काऊ, मतलब ये खुद मशरूम काऊ था, अब ये क्या बन गया, मतलब ये विच के मैजिक से बना है, तो हम इसको मारना चालू करते हैं। वैसे ये भी पागल था जो हमारे ऊपर अटैक करता है, दोनों मिलकर हम लोग इसको बहुत मारते बुरी तरीके से, और इसमें बहुत ज़्यादा दम था यार, इतनी हेल्थ खाने के बाद में भी कैसे बचाई है। और फिर इसके पास में बहुत कम हार्ट बचते हैं, और मैं सब बात करता हूँ तो ये मुझे बताता है मुझसे भी खतरनाक लोग हैं, उसको हम नहीं हरा सकते, तो एक फाइट इसको मारता और ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसने सही बात बोला, हमसे भी खतरनाक लोग हैं, मतलब हम तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, ये बीस्ट जो है इसे भी खतरनाक है, तो उसको मारना ज़रूरी है। तो पहले ये बहुत सारे स्ट्यू ले लेता हूँ, लेकिन कैप्टन मुझे देखता है तो बहुत सारे खाने की चीज़ें देता है, और मेरा एंचेंटेड गोल्डन एप्पल वापस कर देता है, क्योंकि कैप्टन को मालूम चलता है मैं बहुत खतरनाक बन गया हूँ। मेरे पास में बहुत सारे डायमंड थे, तो कैप्टन को मैं डायमंड देता हूँ, लेकिन कैप्टन मुझे वापस देता है बहुत सारे डायमंड, क्योंकि उसके पास में बहुत सारे डायमंड थे और भी, क्योंकि भाई ये बहुत पहले से यहाँ पर। तो कैप्टन निकल जाता है और भी बीस्ट को ढूंढने के लिए, क्योंकि उनको मारना जरूरी है, कम से कम उनका पता तो चलना चाहिए। तो मैं पहुंच जाता हूँ अपने क्राफ्टिंग टेबल में, ज़्यादा वुड नहीं है ना मेरे पास में, इसलिए मैं यहाँ से बना लेता हूँ अपने लिए पूरा का पूरा आर्मर सेट, और उसको पहन लेता हूँ। अब भाई बहुत खतरनाक बन चुका हूँ मैं, उसी के साथ बना लेता हूँ वॉर हैमर, जो तो भाई ख़त्म ही कर देगा जो मेरे सामने आएगा। इन मशरूम बीस्ट को मारने के लिए मेरे पास में बहुत सारे हथियार हो चुके हैं। रात हो गई थी, बारिश भी पड़ रही थी, तो मैं जाके सो जाता हूँ, और जैसे सुबह उठता हूँ एक बहुत बढ़िया सा दिन था और रेनबो निकला हुआ था, तो अब मुझे जाना है मशरूम बीस्ट को ढूंढने के लिए और उनको ख़त्म करना है। लेकिन उससे पहले मैं सोचता हूँ कि उन्हें विच को ही मारा जाए, क्योंकि विच है जो इनको बना रही है। तो मैं पहुंच जाता हूँ पास वाले विच हट में, मतलब पास नहीं था, बहुत ज़्यादा दूर था, पर मैं आखिरकार पहुंच ही जाता हूँ। जैसे मैं जाता हूँ यहाँ पर मुझे विच दिखती है, मैं इसे बात करता हूँ और इसके ऊपर एक्सप्लोसिव एरो मारने वाला होता हूँ। लेकिन मुझे विच की बातों से मालूम चलता है कि ये विच वैसी नहीं है, ये किसी मशरूम को बीस्ट नहीं बनाना चाहती है, मतलब अपने इशारों पे नहीं नाचना चाहती है। तो मैं इसे पूछता हूँ कि ये बना सकती है किसी को मशरूम बेस्ड, तो ये बोलती है कि कभी ट्राई नहीं की है। तो विच मेरे ऊपर एक पोशन फेंक के मारती है जिससे मुझे कुछ भी नहीं होता है। तो मैं इसे बात करता हूँ क्यों कुछ नहीं हुआ मुझे, तो एक मुझे पोशन देती है, जब से समय आएगा मुझे पीने के लिए बोलती है ये। तो मैं अपने इन्वेंट्री में रखता हूँ, उसको थैंक यू बोल के निकल लेता हूँ, क्योंकि सारे विच ऐसे खतरनाक नहीं होते। मैं ऐसे निकलता हूँ, रात भी हो चुकी थी, बहुत देर बात कर लिया विच से मैंने। तो बहुत दिनों के बाद मैं पहुंच जाता हूँ एक ओशन में, मुझे दिखता है एक और ऐसे शिप, और ये वाला शिप जो था वो थोड़ा आगे बढ़ चुका था, मतलब थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में था। तो मैं देखता हूँ वही गन लेके मशरूम खड़ा हुआ था यहाँ पर जो मुझे मारने वाला होता है, पर मैं उसको बताता हूँ मैं अलग वाला मशरूम का वो बच्चा नहीं हूँ, लेकिन वो मुझे पहचान लेता है क्योंकि भाई ये पता नहीं मुझे मारने आया था। तो मेरा दिमाग ख़राब होता है, एक दो फाइट वो मुझे मारता है, तो मैं पी लेता हूँ पोशन, और जैसे मैं पोशन पीता हूँ मैं इसे चार गुना बड़ा हो जाता हूँ। और भाई मतलब ये डर गया था मुझे देख के, इसकी मुंडी नीचे हो जाती है, ये भाई हार मान जाता है मुझे, लेकिन मैं इसको मारने वाला था क्योंकि भाई इसने बहुत सारे मशरूम को मार दिया है मेरे सामने की बात है। लेकिन पता नहीं क्यों पागल हो जाता है ये, बिना बंदूक के मुझे मारना चालू कर देता है, मतलब बंदूक में गोली थी कि नहीं पता नहीं, इसके डराने के लिए रखा था शायद इसने। और मुझे देखो कितना बड़ा बन चुका हूँ मैं, उसके मार का असर भी नहीं हो रहा है, अभी मेरे हार्ट नहीं बढ़े लेकिन धीरे धीरे मेरे हार्ट भी बढ़ जाएंगे, अभी तो मैं बड़ा बनाऊँ। तो इसको एक फाइट मारता हूँ और ये ख़त्म हो जाता है, भाई कुछ भी नहीं था ये, पता नहीं फालतू में इससे मशरूम का डर रहते हैं। इसको मारने के बाद में मैं देखता हूँ ये बहुत बड़ा शिप है, तो यार मैं अंदर तो जा नहीं सकता हूँ, इतना बड़ा हो चुका हूँ मैं, 8-10 ब्लॉक का हो चुका हूँ।
तो मुझे शिप की लूट चाहिए थी, वैसे जरूरत नहीं थी पर मैं तोड़फोड़ करना चालू कर देता हूँ क्योंकि यार इन लोगों ने यहाँ पे मशरूम का आने दिए जिसके पास गन था, मतलब भाई अब तो तोड़ना बनता ही है। तो थोड़ा बहुत ब्लास्ट ब्लास्ट करता हूँ मैं और एक चेस्ट फूट जाता है, उससे क्या सामान निकला। लेकिन कुछ देर बाद मेरे हार्ट भी बढ़ जाते हैं, मतलब पोषण का असर चालू हो चुका था। अब पोषण ये परमानेंट होने वाला है पता नहीं मुझे, पर ये पोषण बहुत खतरनाक था क्योंकि मेरे हार्ट देखो और मेरे पास में पावर भी आ चुकी नॉक बैक की, मतलब बहुत खतरनाक बन चुका हूँ मैं। इसके हाथ में बहुत ज़्यादा दम है ना। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, मुझे एक मशरूम हाउस दिखता है, मुझे वैसे ही लगा पर ये अलग वाला था और इसमें आग लग चुकी थी। एक मशरूम बेचारा भाग के आता है बाहर और मशरूम का मुझे बताता है कि इसकी पूरी फैमिली और बहुत सारे लोग जल के मर गए यहाँ पर। मैं से पूछता हूँ किसने किया ये, तो ये पता था मेरे जैसा कोई आया था, मतलब मैं समझ चुका था विच ने मेरे जैसे और बना के रखी है, मतलब अलग वाली विच ने। और एक ब्राउन वाला भी आया था, मैं समझ नहीं पाता ब्राउन वाला कौन था, लेकिन मैं ऐसे निकल लेता और मशरूम को बोलता हूँ मेरे आइसलैंड में जाने के लिए। मैं एक विलेज में पहुँचता हूँ, वैसे तो देखने में बहुत बढ़िया विलेज था, मशरूम विलेज था, लेकिन एकदम से ये पता नहीं कौन से लोग आ जाते हैं और ये तो अब गाय में बैठे हुए थे और भाई और खतरनाक हो चुके थे। तो भाई ये मेरा क्या ही कर सकते हैं अभी, पहले तो मैं कमज़ोर था लेकिन अब एक फाइट मारता हूँ इसको बिना कोई हथियार के और ये दूर जाके गिरता है और एक और फाइट में मर जाता है। और इसको देखो यार ये तलवार लेके आया, इसको मार देता हूँ मैं। और मैं समझ चुका था ये विलेज अब श्रापित हो चुका है, मतलब यहाँ पे ये वाले मशरूम का कब्जा है। और वैसे मैं पूरे को पूरे मार देता हूँ लेकिन ये पूरा का पूरा विलेज खाली हो चुका है। मैं आगे देखता हूँ बहुत बड़ा एक मशरूम है जो बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुका है। अब पता नहीं किसने किया ये, पता नहीं बीच की मैजिक से होगा। मैं आगे जाता हूँ, मुझे दिखता है ऊपर कोई है, अभी ब्राउन वाला मशरूम था, अभी वही तो मशरूम नहीं जिसने इसकी बात किया था। लेकिन मुझे ये पता था ये तो वही बंदा है जो मुझे आइसलैंड में मिला था, जो लीडर के साथ था और हमारे साथ था। तो ये किसी का घर तो नहीं जला सकता है, लेकिन क्या हो सकता है ये वही वाला तो ब्राउन नहीं है, लेकिन ये हमारे साथ था तो ये ऐसा काम तो करेगा नहीं। इसके ऊपर विच ने मैजिक की थी, पर अच्छे वाले विच ने मैजिक की थी। मैं ऊपर जाने का ट्राई करता हूँ लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं है, मुझे ब्राउन वाला मशरूम बताता है। तो हम दो निकल जाते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, मैं निकल जाता हूँ वो रेड वाले मशरूम को ढूंढने के लिए और जो अलग वाला ब्राउन वाला मशरूम है उसको भी ढूंढने के लिए। मुझे कोलेजियम दिखता है जो भाई मशरूम कोलेजियम था, मतलब यहाँ पे जितने भी लोग फाइट करते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पे रेड वाला मशरूम था और उसी के साथ में वही वाले पिगलिंग थे जो मशरूम पिगलिंग है। इसको लगता है मैं इसके साथ हूँ पहले क्योंकि मैं भी इसके जैसा बीस्ट बन चुका हूँ, लेकिन नहीं मैं इसके साथ नहीं था। इसको बताता नहीं हूँ मैं, इनके ऊपर अटैक कर देता हूँ क्योंकि इसके मिनियन थे ये। इसको मारने के बाद में ये भी मेरे ऊपर अटैक करता है और भाई इसका डैमेज देखो बहुत ज़्यादा दम है इसके पास में। तो मैं एंचेंटेड गोल्डन एप्पल खाता हूँ जो हमारे मूव ब्लूम मतलब हमारे लीडर का दिया हुआ था, मतलब मैंने पहले दिया था, पर इसको खाने के बाद में मुझे और एनर्जी आ जाती है और हिट करता हूँ मैं इसके ऊपर, बहुत सारे हिट देता हूँ और फाइनली एक दो हिट देने के बाद में ये मर जाता है। और इसको मारने के बाद में अब पूरे के पूरे मशरूम का आज़ाद हो चुके हैं क्योंकि और कोई बीस्ट बचा नहीं है मेरे हिसाब से। एक बीस्ट ब्राउन वाला है जो हमारे साथ में, और एक और बीस्ट को ढूंढना है जो भाई डर के भाग गया होगा क्योंकि लीडर को तो मैंने मार दिया इनके। लेकिन एकदम से मुझे मूवलूम दिखता है, लेकिन उसी के साथ में ये ब्राउन वाला मशरूम आता है और ये लीडर को मार देता है। अब पता नहीं इसके ऊपर विच की मैजिक थी, ये खुद ही कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है खुद ही कर रहा है। तो एक दो हिट इसको मारता हूँ मैं और ये भाई मेरे सामने बहुत कमज़ोर है, मैं बहुत खतरनाक बन चुका हूँ, हार्ट भी मेरे पास ज़्यादा है, ये मेरा कुछ नहीं उखाड़ पा रहा था। मैं इसको दिखाता हूँ एक्सप्लोसिव एरो, ये डर जाता है, इसको पीछे जाने बोलता हूँ मैं और ये मुझे बताता है विच के मैजिक की वजह से मैं ये ऐसा बन गया हूँ। लेकिन मैं इसको छोड़ तो नहीं सकता हूँ ना, तो इसके ऊपर एक एरो फेंक के मारता हूँ, ये मना करता है पर इसने मूव ब्लूम को मारा है और बहुत सारे मशरूम काओ को भी मारा है, तो इसको फाइनली मुझे मारना पड़ा। भाई इसके लिए बुरा लग रहा है मुझे, पर हमारा लीडर तो मर गया, रिप फॉर मूव ब्लूम। और इसी के साथ साथ पूरे मशरूम आज़ाद हो गए और 100 डेज भी कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, लाइक एंड कमेंट कर देना चाहिए।